बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ लेक्चर सीरीज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर वन को स्टडी कर रहे हैं जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और अगर आपको याद हो तो इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने मॉसले की पीरियोडिक टेबल को ब्रीफली डिस्कस किया था। आज लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जी, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मॉसले की जो पीरियोडिक टेबल है उसको आज हम डिटेल के अंदर पढ़ने जाएंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने मॉसले की पीरियोडिक टेबल को पढ़ा था, और मॉसले ने जो चार तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया है या क्लासिफाई किया है उस पर हमने बात की थी। वो चार तरीके क्या थे? एक फैमिली वाइज क्लासिफिकेशन थी, दूसरी ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन थी, तीसरी ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन थी, और चौथी पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन थी। अब इन्हीं क्लासिफिकेशन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से हम स्टडी करने जाएंगे, यानी पहले ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम ही के तमाम एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, यानी किसी ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, किसी पीरियड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, और किसी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से लिखे जाता है जी, ये आज के हमारे लेक्चर का मौजू है। और इसी के अंदर एक टॉपिक आएगा जिसको हम कहते हैं जी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैं यहाँ आपको बता दूं जी कि लॉन्ग फॉर्म का मतलब क्या है जी। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को पीरियड वाइज स्टडी करते हैं जी, तो ये स्टडी का तरीकाकार लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाता है जी। तो क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर रहे हैं, और आज के लेक्चर में ग्रुप वाइज, ब्लॉक वाइज और पीरियड वाइज तीनों ही तरीके से पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे, और हमारा फोकस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जी। तो इसी के अंदर हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को भी डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने है जी, और सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल की ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने जा रहे हैं जी। तो ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं जी कि एलिमेंट को जो ग्रुप में रखा गया है तो उसमें ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी। तो ग्रुप वाइज अगर एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाए जी, तो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं जी, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं इनका ताल्लुक फैमिली ए से है। इसके अंदर एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स शामिल हैं जी, और एलिमेंट्स जिनका ताल्लुक ग्रुप 1A से है और ग्रुप 2A से है इनको आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। वो एलिमेंट्स जिनका ताल्लुक 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A से है जी, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये सारे के सारे ही एलिमेंट्स यानी ग्रुप 1A से लेकर ग्रुप 8A तक के एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं जी। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एक और नाम भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनको टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं जी, यानी सिर्फ इसका एक ही नाम है, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इसका फैमिली ए से ताल्लुक है, और साथ साथ इनको टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। और उसकी वजह यह है जी कि हर किस्म के एलिमेंट्स पी ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं, यानी मेटल्स भी मौजूद हैं, नॉन मेटल्स भी मौजूद हैं, मेटलॉइड्स भी मौजूद हैं। इसी तरह जो तीन स्टेट है मैटर की, यानी गैसेस भी मौजूद हैं, लिक्विड भी मौजूद हैं और सॉलिड भी मौजूद हैं। तो हर किस्म के एलिमेंट्स इस पी ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं, इसलिए इनको आप टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं, पेचीदा एलिमेंट्स कहते हैं जी। यानी पीरियोडिक टेबल में जितने किस्म के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको कहाँ मिल जाएंगे, पी ब्लॉक के अंदर मिल जाएंगे। अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो वो सारे के सारे सॉलिड हैं, वो सारे के सारे मेटल्स हैं जी। तो ये तो एक ही किस्म के एलिमेंट्स एस ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पी ब्लॉक के अंदर क्योंकि हर किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं, गैसेस भी हैं, इसलिए आप इन्हें टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं जी। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम मेन ग्रुप्स को अब स्टडी करने जा रहे हैं, मेन ग्रुप की पोजिशन को भी स्टडी करेंगे, और जो फोकस आपने करना है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फोकस करना है जी। तो ग्रुप 1A की बात कर रहे हैं जी, तो दिस इज ग्रुप 1A, और ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, और ये एक्सट्रीम लेफ्ट पर मौजूद है जी। और इनकी खास बात क्या होती है जी कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन तमाम की तमाम एलिमेंट की SnS1 होती है जी,
यानी वैलेंस शेल के अंदर इनके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वो एक इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है जी। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखें ये जो एन है ना, ये बेसिकली पीरियड का नंबर है। तो क्योंकि हाइड्रोजन पहले पीरियड के अंदर मौजूद है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 लिखी जाएगी। लिथियम ये दूसरे पीरियड के अंदर है तो इसकी कॉन्फिगरेशन क्या लिखी जाएगी, 2s1 लिखी जाएगी। एंड सो ऑन, फ्रेंशियम सातवें पीरियड के अंदर मौजूद है तो यहाँ पे एन की जगह क्या आ जाएगा जी, 7 आ जाएगा। तो अभी हमने क्योंकि पूरे के पूरे कॉलम को एक साथ स्टडी कर रहे हैं और एन तो वेरी हो रहा है 1 से लेकर 7 तक, तो हमें क्या फोकस करना है, एस को जरा फोकस करना है जी। तो वैलेंस शेल जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स है जी, और मेन ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स है उनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns1 है। और ns1 का मतलब है जी कि वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वो एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। ग्रुप 2A की बात करते हैं जी, तो ये ग्रुप 2A के एलिमेंट्स ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं जी। और क्योंकि 1A की बिल्कुल बाद में आ रहा है जी, और s की कैपेसिटी क्या होती है, 2 होती है जी। तो ये इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2 है। तो अगर आप ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सही से समझ लें तो आपको ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना और उसके बाद पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना इंतहाई आसान हो जाएगा। जरा इसको फोकस कीजिएगा जी। तो ये सेकंड ग्रुप है जी, और सेकंड ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो ns2 है। यानी वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है जी, एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है जी। तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2A, जिनको आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं जी। अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पे आ जाते हैं जी, और ये जो तीसरा कॉलम आपको देखें, ये तो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और आप ये जानते हैं कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं वो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और इन दोनों का ताल्लुक क्या है जी, सब ग्रुप से ताल्लुक है जी, इन दोनों का ताल्लुक फैमिली बी से है। अभी हम मेन ग्रुप एलिमेंट्स यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं, और उसके बाद फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तमाम के तमाम की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे जी। तो ये जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो पहला कॉलम आपको नजर आ रहा है जी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के फौरन बाद, ये आपके 3A एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये जो ग्रुप है वो 3A कहलाता है जी, और ये फैमिली क्या कहलाती है, पहले एलिमेंट इसका बोरॉन है तो ये बोरॉन फैमिली कहलाती है। और क्योंकि अब पी के अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया है जी, इसलिए ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है ns2np1। तो देखिए ns2 तो यहाँ से कैरी हो गया और पी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया जी। तो वैलेंस शेल के अंदर, क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर एस ऑर्बिटल भी मौजूद है और पी ऑर्बिटल भी मौजूद है, तो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की कुल तादाद तो 3 है, लेकिन पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है जी, 1 है जी। तो आप इन्हें इसको प्लस करना है, यानी एस वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को देखना है जी, और वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा जाता है और इसलिए इसको 3A का नंबर दिया जाता है जी। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है जी ns2np1। अब आपको आगे का खुद बखुद अंदाजा हो गया होगा जी, जो 4A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिसको आप कार्बन फैमिली कहते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा जितना आप आगे जा रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है जी। तो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2np2 है, 3 के मुकाबले में यहाँ पे पी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। ये कार्बन फैमिली कहलाती है और ये ग्रुप 4A के एलिमेंट्स भी कहलाते हैं जी। ग्रुप 5A एलिमेंट्स की बात करते हैं जी, और ये नाइट्रोजन फैमिली कहलाती है, और इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मजीद बढ़ जाएगा, वैलेंस शेल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2np3 है। वैलेंस शेल के अंदर कुल 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np3 है। और इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो जवाब 5 आता है, इसलिए ये 5A के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके बराबर की बात करें जी, तो वो 6A ग्रुप है जी, और ये ऑक्सीजन फैमिली कहलाती है क्योंकि इसका पहला मेंबर ऑक्सीजन है जी। एक और इलेक्ट्रॉन का पी के अंदर और वैलेंस शेल के अंदर इजाफा हो जाएगा जी। तो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2np4 है। वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है जी, और वैलेंस शेल का जो ऑर्बिटल की बात करें तो एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और पी ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है जी। इसके बाद वाले ग्रुप की बात करें तो ये आपके पास 7A के एलिमेंट्स हैं, और ये क्या कहलाते हैं, ये आपके हैलोजेंस कहलाते हैं जी।
और पी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और इसी तरह वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2NP5 है जी, और वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और उन 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं और 5 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं। और अगर हम एक्सट्रीम राइट की बात करें तो यहाँ पर ये आखिरी कॉलम है और ये आखिरी ग्रुप है जिनको 8A के एलिमेंट्स भी कहते हैं, इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, ये नोबल गैसेस भी कहलाती हैं, ये इनर्ट एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। और यहाँ पर अब और इनका ऑक्टेट मुकम्मल है, यानी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं, और इनका पी ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी होती है वो 6 होती है, पी ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फिल्ड है जी। तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2NP6 है जी, वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी इनका ऑक्टेट मुकम्मल है, और ऑक्टेट के मुकम्मल होने की वजह से ये अनरिएक्टिव भी होते हैं जी। और इनके जो 8 वैलेंस शेल के अंदर जो 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इनके एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं और 6 इलेक्ट्रॉन इनके पी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं, और इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो NS2NP6 है जी। तो यहाँ आपने अभी पीछे जो पीरियोडिक टेबल आपने देखी उसके अंदर आपने अलहदा अलहदा तमाम ग्रुप्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा। अब हम इनको एक जगह समराइज करने जा रहे हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स ही आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी जिन एलिमेंट्स का फैमिली ए से ताल्लुक है वो तमाम के तमाम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ये सारे के सारे हैं, लेकिन टिपिकल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं जी। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन क्योंकि पी ऑर्बिटल के अंदर दाखिल हो गया, तो ये सारे के सारे जिसको ब्लू से शेड करके दिखाया है ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और जिनको येलो से शेड करके दिखाया है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर दाखिल हुआ है तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे, और क्योंकि यहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर दाखिल हो गया है तो ये आपकी क्या कहलाएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे जी। तो एक बार अब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे जो मैंने समराइज करके आपको दिया है जी, इसको एक बार फिर देख लें जी। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स ये आपके अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 है जी। और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं, और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये NS2 है जी। ग्रुप 3A के एलिमेंट्स ये आपकी बोरॉन फैमिली कहलाती है जी, और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1 है जी। ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं इनकी फैमिली को आप कार्बन फैमिली कहते हैं, और इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2NP2 है जी। ग्रुप 5A के एलिमेंट्स ये आपके नाइट्रोजन फैमिली कहलाती है, और इनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2NP3 है। ग्रुप 6A के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं जी, और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2NP4 है। ग्रुप 7A के एलिमेंट्स ये हैलोजन्स कहलाते हैं जी, और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5 है। और ग्रुप 8A के एलिमेंट्स को आप नोबल गैसेस भी कहते हैं, इसको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, इनको आप इनर्ट एलिमेंट्स भी कहते हैं जी, और इनका ऑक्टेट मुकम्मल होता है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6 है जी। तो फैमिली ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं जी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, और ये ग्रुप वाइज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर समराइज किया गया है। अब हम नोबल गैसेस या इनर्ट एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 8A के एलिमेंट्स हैं उनको आप इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, उनको आप नोबल गैसेस भी कहते हैं, और उनको आप जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं जी। ये हर पीरियड के एंड पर मौजूद होते हैं, यानी एक्सट्रीम राइट पर मौजूद होते हैं जी। ये केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, और उसकी वजह क्या है जी, इनका ऑक्टेट मुकम्मल होता है जी। तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे तब भी अनस्टेबल हो जाएंगे, ये अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो भी ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे, इसलिए ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते, और ये आपके केमिकली अनरिएक्टिव कहलाते हैं। ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, और डायमैग्नेटिक इन नेचर का ताल्लुक मैग्नेटिक नेचर का ताल्लुक असल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से है, तो क्योंकि क्योंकि इनके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि ये डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं जी। इनका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है जी। और सिर्फ हीलियम वो है जी जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है जी, और बाकी जितने भी 8A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6 है जी। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, इसको जरा आप दिमाग में रखिएगा जी, क्योंकि हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, पी ऑर्बिटल तक उनकी रसाई नहीं है जी। तो हीलियम क्योंकि इनका इसका हीलियम का डबलेट मुकम्मल होता है, और हीलियम के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उनका ऑक्टेट मुकम्मल होता है जी। तो क्योंकि हीलियम की प्रॉपर्टीज ग्रुप 8A के एलिमेंट से मिलती हुई हैं जी,
और वैलेंस शेल के कंप्लीट होने की वजह से इसलिए हीलियम को नोबल गैसेस के साथ पढ़ा जाता है, वरना अगर आप कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से देखें तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर शुमार किया जाना चाहिए जी, क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर गया है जी। तो क्योंकि एलिमेंट्स को पीरियोडिसिटी के लिहाज से रखा गया है और हीलियम की प्रॉपर्टीज नोबल गैसेस से मैच करती है, इसलिए हीलियम को नोबल गैसेस के साथ पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से स्ट्रिक्टली एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें जी, तो फिर हीलियम को एस ब्लॉक एलिमेंट का मेंबर माना जाएगा जी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि हीलियम को पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही यानी नोबल गैसेस के साथ ही स्टडी किया जाता है, और इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बाकी तमाम एलिमेंट्स से मुख्तलिफ है जी। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, जबकि नोबल गैसेस की बाकी तमाम एलिमेंट्स की, हीलियम के अलावा जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं जी, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है, रेडॉन है, तो इन सब की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2NP6 है। तो ग्रुप 8 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को एक बार आप फिर देख लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन NS2NP6 है और यहाँ पर ऑक्टेट मुकम्मल है जी, और इस कॉन्फ़िगरेशन को आप स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन भी कहलाती है, और इसी वजह से ये जो एलिमेंट्स है वो आपके केमिकली अनरिएक्टिव है। हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करने जा रहे हैं जी, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको आप आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं जी। और इनकी खास बात क्या है जी कि इनके अंदर जो ग्रुप है जी, क्योंकि अब हम पहले हम ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट का तस्करा तो आ गया, लेकिन अब हमें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट को ग्रुप वाइज पढ़ना है जी। तो इनका जो ग्रुप स्टार्ट होता है वो 3B से स्टार्ट होता है जी, बी का मतलब ये फैमिली बी से बिलोंग करते हैं जी, और इनका जो ग्रुप है वो 2B पे खत्म होता है। तो आइए देखते हैं जी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी जी। ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने है और अब इसके अंदर हम सब ग्रुप्स को देखेंगे और फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे। ये 3B ग्रुप आपके सामने है जी, और इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो NS2N-1D1 है जी, और N का मतलब तो ये वैलेंस शेल है, और N-1 का मतलब ये जी कि वैलेंस शेल से अंदर वाला, और वैलेंस शेल के यानी सेकंड लास्ट कह सकते हैं N1 को। तो सेकंड लास्ट शेल के डी ऑर्बिटल के अंदर आप आखिरी इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, और क्योंकि आप इनर शेल के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, और इनका ताल्लुक फैमिली बी से है जी। तो ये आप अगर यहाँ से पीरियड को गिनना शुरू करें तो ये पहली रॉ, ये पहला पीरियड है, ये दूसरी रॉ, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरी रॉ तीसरा पीरियड कहलाएगा, और ये चौथी रॉ को चौथा पीरियड कहेंगे। तो चौथी रॉ के अंदर जब आप चौथे शेल के अंदर पहुंच चुके तो वहां पर आप तीसरे शेल के डी ऑर्बिटल को फिल करेंगे। तो चौथे की चार के मुकाबले में 3 क्या है, N-1 है। इसी तरह जब आप पांचवे पीरियड में पहुंचेंगे जी तो आप चौथे शेल के डी ऑर्बिटल को फिल करेंगे। इसी तरह जब आप छठे पीरियड में पहुंचेंगे यानी छठे शेल के अंदर पहुंचेंगे तो उस वक्त आप पांचवे शेल के डी ऑर्बिटल को फिल करेंगे। और इसी तरह जब आप सातवें पीरियड के अंदर पहुंचेंगे यानी सातवें शेल पे पहुंचेंगे तो उस वक्त आप छठे शेल के डी ऑर्बिटल को फिल करेंगे। और यही ये कॉन्फ़िगरेशन जाहिर कर रही है। यहाँ पे डी के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन को भेजा, और आप ये जानते हैं कि डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब आप आगे बढ़ते जाएंगे और डी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते जाएंगे। ये सिंपल सा याद रखने का तरीका है जी, और बड़े आराम से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख सकते हैं अगर पीरियोडिक टेबल का नक्शा आपके सामने हो। अभी आपने यहाँ पे देखा जी कि एन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एस के अंदर सिर्फ 2 ही की कैपेसिटी होती है, और पी के अंदर आप जानते हैं कि 6 की कैपेसिटी होती है, तो यहाँ पे आपको पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन दिखे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दिखे, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6 दिखे। इस तरह यहाँ पर भी जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दिखा है, और आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर इस जगह आपको 10 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। बीच में कुछ एक्सेप्शन है जिसको अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे जी। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप काउंट करें 2 और 1 को काउंट करें तो जवाब 3 आता है। इसी 3 आने की वजह से इसको आप 3B एलिमेंट्स कहते हैं जी। एक बात तो स्कैंडियम को कैल्शियम के बिल्कुल बराबर में रखने की वजह यह है जी कि स्कैंडियम की सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टीज मैच करती है, यानी कैल्शियम की सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टीज मैच करती है वो किससे करती है, स्कैंडियम से करती है। इसलिए कॉपर को, क्योंकि कॉपर का 1A ग्रुप 1B ग्रुप है जी, तो कॉपर से प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, इसलिए कॉपर को यहाँ नहीं बल्कि कॉपर को यहाँ रखा गया है। दूसरी वजह यह है जी कि कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी बड़ी मुख्तलिफ है जी, तो इसलिए यहाँ पर आपने स्कैंडियम को रखा है। और जिंक की जो प्रॉपर्टीज है वो गैलियम से मैच करती है, इसलिए जिंक को आपने यहाँ पे रखा है जी। तो ये तो पीरियोडिसिटी के लिहाज से मैचिंग हो गई। और दूसरी वजह, इसको 3 नंबर दिया गया है जी, उसकी वजह क्या है जी, उसकी वजह यह है कि आप इन इलेक्ट्रॉन्स को गिन लें, 2+1 जवाब क्या आता है, 3 आता है।
इसलिए यहाँ पे इनको थ्री कहते हैं, इसको थ्री ग्रुप कहते हैं जी। और बी इसलिए कहते हैं क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर नहीं जा रहा, आखिरी शेल के अंदर नहीं जा रहा बल्कि इनर शेल के अंदर जा रहा है, और अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन इनर शेल के अंदर जाता है तो ये फैमिली बी कहलाती है जी, और इनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं जी। तो थ्री बी उसकी आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखी। अगर आप फोर बी की बात करें जी तो उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा है, तो एन एस टू एन माइनस वन डी टू कॉन्फिगरेशन है जी। अगर आप 5B की बात करें जी तो एक और इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाएगा जी, तो NS2N-1D3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी। अब आ जाएं जी क्रोमियम की जो फैमिली है उस पर आ जाएं, यानी क्रोमियम, मोलिब्डियम, टंगस्टन और सीबोर्गियम। तो ये जो वो एलिमेंट्स हैं इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जी। अगर आप ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें जी तो NS2N-1D4 है जी। और जब आप 4 पे पहुंच जाते हैं जी तो यहाँ पर ये चांस होता है जी कि s से इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल के अंदर चला जाए। तो क्यों? एक वजह ये है जी कि ns ऑर्बिटल और N-1d ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी गैप है वो कम होता है। अगर ये गैप बहुत ज्यादा होता तो फिर ये काम इतना आसान नहीं था। तो सराउंडिंग से ये मामूली सी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और s का जो इलेक्ट्रॉन है वो वैकेंट d ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है, और उसकी वजह से s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाता है, तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल कहलाती है जी। और इसकी वजह से यानी इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसमिट हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन जो d ऑर्बिटल ने कैरी कर लिया या इलेक्ट्रॉन जो d ऑर्बिटल ने s ऑर्बिटल से बोरो कर लिया जी, उसकी वजह से d ऑर्बिटल की जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हाफ फिल्ड हो जाती है, और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्शियल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होती है जी। फोर इलेक्ट्रॉन का होना ये पार्शियल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, या थ्री का, या टू का, या वन का होना, या फाइव से ज्यादा, सिक्स का, सेवन का, एट का, या नाइन का होना, ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन पार्शियल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। और एग्जैक्टली यानी डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एग्जैक्टली 5 इलेक्ट्रॉन का होना और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, यानी हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो आप 5 का मुकाबले में 10 के मुकाबले में 5 इलेक्ट्रॉन का होना, या 10 के मुकाबले में 10 इलेक्ट्रॉन का होना, 10 के मुकाबले में 10 का होना, इसको फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं जी, जो कॉपर के केस में और जिंक के केस में आपको मिलेंगी। और यहाँ पे 10 के मुकाबले में 5 इलेक्ट्रॉन का होना, ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। तो क्योंकि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्शियल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए क्रोमियम के केस के अंदर और अभी आप कॉपर के केस में पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर है जी। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर को आप अच्छे से याद रखिएगा जी। तो क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी क्रोमियम की जो फैमिली की कॉन्फ़िगरेशन है जिसका ताल्लुक 6B ग्रुप से है जी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन NS1 और N-1D5 है जी। मैग्नीज की बात करें तो ये 7B ग्रुप है जी, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी, NS2N-1D5 है जी। ये बिल्कुल सीक्वेंस वाली है, यानी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया, या दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया, या तीसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया, या हमने चौथा इलेक्ट्रॉन फिल किया था लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन को की कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल थी, इसलिए एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया था और डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, और यहाँ पे आपने 5वें इलेक्ट्रॉन को डी के अंदर भेज दिया। तो 7A 7B जो ग्रुप है उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2N-1D5 है जी। इसके बाद आप 8 की बात करें जी, और तो ये भी 8 है और ये भी 8 है जी। तो यहाँ पे आप 6ठे इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, यहाँ 7वें इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, यहाँ 8वें इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे 6 to 8, और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे जी। तो 8B जो आपके एलिमेंट्स हैं वो 3 एलिमेंट्स को जिनकी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा मैच करती थी उनको एक साथ रखा गया है जी। और इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी 8B जो ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन है, वो है NS2N-1D6 to 8। तो ये बात भी जरा आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर आप कॉपर पे आ जाएं तो कॉपर के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके, तो यहाँ पे हम 9वां इलेक्ट्रॉन आएगा, 9वें इलेक्ट्रॉन में फिर एक्सेप्शनल बिहेवियर आ जाएगा जी। और एस से इलेक्ट्रॉन कहाँ जम कर जाएगा, डी के अंदर जम कर जाएगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और एस की कॉन्फ़िगरेशन तो हाफ फिल्ड हो जाएगी लेकिन डी की कॉन्फ़िगरेशन पार्शियल फिल्ड से फुल फिल्ड हो जाएगी, और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज्यादा स्टेबल होती है, और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देखें बोरो या कैरी हो सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बोरो या कैरी नहीं हो सकता। तो जहां 4 इलेक्ट्रॉन आए वहां ये एक्सेप्शन बिहेवियर आ गया, जहां 9 इलेक्ट्रॉन आए वहां एक्सेप्शन बिहेवियर आ गया, 4 और 9 के अलावा ये एक्सेप्शन बिहेवियर कहीं और आपको नहीं दिखेगा जी। तो 1B जो एलिमेंट्स है उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2N-1D10 है जी। और यहाँ पे अब आप देख लें, इस 10 को आप नेग्लेक्ट कर दें तो एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए इसको 1B कहते हैं जी।
और इसी तरह अगर आप जिंक की बात करें जी तो ये 2B एलिमेंट्स कहलाते हैं क्योंकि एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10 को हम नेगलेक्ट फुलफिल होने की वजह से 10 को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो जितना एस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनके इनके ग्रुप का नंबर दे दिया जाता है, तो 2B एलिमेंट्स ये कहलाते हैं जी। और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी जो कॉन्फिगरेशन है वो (n(2)(n-1)(d)(10) है। तो ये आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को और खासतौर पर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखा। ये तमाम ग्रुप्स अब आपके सामने हैं और इनकी कॉन्फिगरेशन को आप एक बार फिर देख लीजिए। जो 3B ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जी उनकी कॉन्फिगरेशन (n(2)(n-1)(d)(1) है, 4B ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फिगरेशन (n(2)(n-1)(d)(2) है, 5B ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फिगरेशन (n(2)(n-1)(d)(3) है, 6B ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फिगरेशन ये अब एक्सेप्शनल बिहेवियर है (n(1)(n-1)(d)(5) है जी। A7 की बात करें जी तो 7B के जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फिगरेशन (n(2)(n-1)(d)(5) है जी। 8B के अंदर ये तीन एलिमेंट्स आते हैं जी, तीन एलिमेंट्स को एक साथ रख के ग्रुप बनाया जाता है, तो इसकी कॉन्फिगरेशन (n(2)(n-1)(d)6 से लेकर 8 है जी, यानी इसके अंदर d6 भी आएगा, d7 भी आएगा और d8 भी आएगा। 1B के अंदर फिर एक्सेप्शन है जी क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन आ गए जी, तो 9 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये डी ऑर्बिटल s से एक इलेक्ट्रॉन को बोरो कर लेता है जी, तो इसकी कॉन्फिगरेशन (n(1)(n-1)(d)10 है। और 2B जो ग्रुप है उनकी कॉन्फिगरेशन (n(2)(n-1)(d)10 है। तो ये आपने आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखा जी। अब हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करने जा रहे हैं जी। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ये सारे के सारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं जी, और एफ ब्लॉक के अंदर कुल 28 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और इन 28 एलिमेंट्स को जो ग्रुप दिया जाता है उसको 3B फॉलो कहते हैं जी, क्योंकि 3B ग्रुप ये कौन सा है, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट के पहले कॉलम का ग्रुप है जी, और क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट डी के बाद आते हैं यानी 3B ग्रुप के बाद आते हैं, इसलिए ये सारे के सारे एलिमेंट 3B फॉलोअर्स कहलाते हैं जी। तो एक रॉ के अंदर जो 14 एलिमेंट्स मौजूद हैं, इस रॉ के अंदर जो छठे पीरियड के अंदर मौजूद है और एक इसके बाद रॉ आएगी जो सातवें पीरियड के अंदर मौजूद है, उन तमाम के अंदर एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं जी, F1 से लेकर F14 तक आपके ये सीक्वेंशली फिल होते हैं जी, और ये 28 के 28 एलिमेंट का जो ग्रुप है उसको 3B फॉलोस कहते हैं। बाज लोग इसको 3B भी लिखते हैं लेकिन ज्यादा बेहतर 3B फॉलोस लिखना है जी, क्योंकि 3B एलिमेंट्स ये हैं जी और P ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं जी वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो आपके 3B फॉलोस कहलाते हैं। तो ये तो आपने ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को करना सीखा जी, इसको आप समराइज फॉर्म में याद करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। मैंने आपको पहले इंडिविजुअली भी करके दिखाया जी और उसके बाद मैंने इसको समराइज करके भी दिखाया। अब हम ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करने जा रहे हैं, और ब्लॉक वाइज का मतलब ये है कि ग्रुप वाइज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है उसको हम ब्लॉक वाइज समराइज कर देंगे जी। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास कुल 4 ब्लॉक्स हैं जी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, और इनकी जो समराइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अब आपके सामने है जिसको हम पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टडी करेंगे। पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये आपके एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो मौजूद है जिनको येलो से शेड करके दिखाया गया है, ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जी, और इनको आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं जी। जो ब्लू से शेड करके दिखाए गए हैं वो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के साथ साथ टिपिकल एलिमेंट्स भी कहा जाता है जी। जो आपको ग्रीन से शेड करके दिखाए गए हैं ये भी डी के अंदर आता है और ये भी डी के अंदर आता है, इसको आप 3B कहते हैं, ये 4B कहलाता है जी। तो ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं और खासतौर पर इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं जी। और ये जो आपको येलो से शेड होते हुए नजर आ रहे हैं तो ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जी, और ये आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, और इनका ग्रुप क्या होता है जी, 3B फॉलोस होता है, जो भी हमने पढ़ा जी, ये 3B है और इसको फॉलो कर रहे हैं इसलिए ये 3B फॉलोस कहलाते हैं। तो 4 ब्लॉक आपने एक बार फिर पीरियोडिक टेबल के अंदर देखे जी। अब हम ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एलिमेंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं, और सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन को पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे जी। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर दाखिल हो जी, और ग्रुप 1A के एलिमेंट्स और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स इनको आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं जी। 1A के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं जी। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन (ns1)(2)(2) होती है जी। इसको जरा देखते हैं जी। तो आप ये जानते हैं जी कि ग्रुप 1A एलिमेंट जिनको आप अल्कली अर्थ मेटल्स अल्कली मेटल्स कह रहे हैं जी, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन (ns1) है जी,
और ग्रुप 2A के एलिमेंट जिनको आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कह रहे हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 है जी। तो जो जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे देखिए N कॉमन निकल रहा है और S भी कॉमन निकल रहा है और सिर्फ वेरिएशन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आ रही है। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगी इस पूरे S ब्लॉक एलिमेंट्स की जिनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं वो बनेगी NS122, जिसके अंदर वेरिएशन होगा उसको आप 1 2 2 करके दिखा देंगे और जो कॉमन है यहाँ पे N कॉमन है S कॉमन है तो उसको हमने यहाँ पे कॉमन लिख दिया। तो ये सिंपल सा तरीका ये है जी कि अगर आपको ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही से याद हो तो ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना इंतहाई आसान है जी। जो चीज कॉमन निकल रही है उसको एक बार लिख लेंगे और जो चीज वेरी हो रही है उसको वेरी होता हुआ दिखा देंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जिनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS122 है। अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे जी और पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर एंटर होता है जी। ग्रुप 3A 4A 5A 6A 7A और 8A के एलिमेंट्स ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मेटल्स भी शामिल हैं, नॉन मेटल्स भी शामिल हैं, मेटलॉइड्स भी शामिल हैं और गैसेस भी शामिल हैं और लिक्विड भी शामिल हैं और सॉलिड भी शामिल हैं, एक्टिव एलिमेंट्स भी शामिल हैं, अनरिएक्टिव एलिमेंट्स भी शामिल हैं, इसलिए ये आपके टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं जी। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर आप फर्दर डिवाइड करना चाहें तो एक्टिव एलिमेंट्स को अलहदा कर सकते हैं और इनएक्टिव एलिमेंट्स को अलहदा कर सकते हैं जी। तो ग्रुप 3A से लेकर 7A तक के जो एलिमेंट्स हैं जी यानी हेलोजन तक एल्युमिनियम बोरॉन फैमिली से लेकर जो आपके हेलोजन तक जो एलिमेंट शामिल हैं जी वो आपके एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं और नोबल गैसेस के बारे में आपने पढ़ लिया जी कि ये आपके इनएक्टिव एलिमेंट्स या इनर्ट एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स ये आपके इनर्ट एलिमेंट्स कहलाते हैं जी और इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 NP126 है जिसको अभी हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे जी। तो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर अब आपने ग्रुप 3A एलिमेंट्स 4A 5A 6A 7A और 8 एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो देख लिया। अब आप इसी को क्या कर लीजिए, समराइज कर लीजिए जी। जो चीज कॉमन है इसको कॉमन निकाल लें, तो आपको हर ग्रुप के अंदर आपको NS2 कॉमन नजर आ रहा है और हर के अंदर NP भी, हर ग्रुप के अंदर NP भी कॉमन नजर आ रहा है, सिर्फ वेरिएशन P के अंदर आ रहा है 1 से लेकर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी बनेगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो क्या बनेगी, जिनको आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, जिनको आप टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो NS2 NP126 बनेगी जी। क्योंकि NS2 तमाम के अंदर कॉमन है जी और NP भी तमाम के अंदर कॉमन है जी और वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ पी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आ रही है। तो आपने लिखा 1 2 6, तो कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक वाइज अब आपको उससे भी आसान लग रही होगी जितनी ग्रुप वाइज की आसान नहीं थी जी। तो आपने ग्रुप वाइज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद है, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद है जी, तो आप इसको समराइज कर लीजिए और समराइज करने के लिए के बाद जो चीज कॉमन निकल रही है उसको आप एक बार लिख लीजिए और जो चीज वेरी हो रही है उसको वेरी होता हुआ दिखा दीजिए। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं और टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP126 है जी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे जिनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं जी, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन N-1 डी ऑर्बिटल के अंदर जाता है जी। तो ग्रुप 3B 4B 5B 6B 7B 8B और 8B के बाद 1B और 2B यानी ये जो 8 ग्रुप्स हैं जी ये सारे के सारे फैमिली बी से बिलोंग करते हैं और इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं जी। इन एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है जी, NS1 या 2 और N-1 D1 to 10। इसको भी हम पीरियोडिक टेबल में देखने जाएंगे जी। इसके अलावा ये खास बात है, इसको जरा आप बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा जी, कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की 4 सीरीज है जी और इन सीरीज को भी मैं अभी आपको पीरियोडिक टेबल में भी दिखाऊंगा जी। इन 4 सीरीज के नाम याद रखिएगा, जो पहली सीरीज उसको स्कैंडियम सीरीज कहते हैं और दूसरी सीरीज को रिएट्रियम सीरीज कहते हैं, तीसरी सीरीज को लेंथेनम सीरीज कहते हैं और चौथी सीरीज को एक्टिनम सीरीज कहते हैं। आइए इन तमाम चीजों को पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं जी। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट जिनकी ग्रुप वाइज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी ये अब आपके सामने है जी और इन तमाम को यहाँ पर दिखाया गया है जी। अब आपने इसको समराइज करना है जी। अब आप ये देखिए, जो आपको येलो कलर से शेड करके दिखाया हुआ ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। यहाँ एस ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसके अलावा जहां पर भी एस ऑर्बिटल मौजूद है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है जी। और अगर आप वेरिएशन देखें डी के अंदर, तो यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 5 है, 6 7 8 है, 10 है जी। तो इसका मतलब डी की वेरिएशन तो बड़ी ग्रेजुअल है जी और 1 से लेकर 10 तक की ग्रेजुअल वेरिएशन को आप लिख सकते हैं जी। हाँ, एस के अंदर अगर आप देखिए जी,
तो वन भी आ रहा है, दो जगह वन आ रहा है, बाकी जगह क्या आ रहा है, ये टू आ रहा है, तो इसको आप लिखेंगे एन एस वन और टू। मैं भी आपको लिख के दिखाता हूँ जी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये अब आपको शेड करके दिखाया, जिनको आप आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं जी। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने का तरीका है वो ये है जी, एन एस वन और टू, क्योंकि इन दो जगह पे आपको वन नजर आ रहा है, बाकी तमाम जगह पे टू नजर आ रहा है, तो हमने लिखा एन एस वन और टू, और उसके बाद हमने लिखा एन माइनस वन, जो आपको हर जगह कॉमन नजर आ रहा है। डी आपको हर जगह कॉमन नजर आ रहा है, और डी के अंदर वेरिएशन को दिखा दिया, पहले को देखा करें और आखिरी को देखा करें, तो हमने लिखा वन से लेकर टेन तक जी। तो ये इसकी कॉन्फिगरेशन को लिखने का तरीका है। अगर आप एक्सेप्शन को डिस्कस नहीं करना चाह रहे तो वन और को हटा दें, सिर्फ एन एस टू लिख दें, एन माइनस वन, डी वन टू टेन लिख दें, वो भी कॉन्फिगरेशन सही है। और एक्सेप्शन को शो करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखे एन एस वन और टू, एन माइनस वन, डी वन टू टेन, तो दोनों तरीके से इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिखना दुरुस्त है जी। अगर आप वन का तस्करा नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप एक्सेप्शन का तस्करा नहीं कर रहे, आप लिखेंगे डायरेक्ट एन एस टू, एन माइनस वन, डी वन टू टेन, उस वक्त भी आप सही है जी। और अगर आप एक्सेप्शन का तस्करा कर दें, वन और टू लिख दें, इसका मतलब इसकी बात को बताने का मतलब ये है जी कि ये जो शेडेड पोर्शन है उसके अंदर वन है जी, और जो शेडेड पोर्शन नहीं है उसके अंदर एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो भी आप सही हैं। तो दोनों तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जा सकता है जी। अब यहाँ पे जरा आप सीरीज को जरा फोकस कीजिएगा जी। तो हमारे पास जो चार सीरीज जो मैंने अभी आपको दिखाई जी, जो पहली सीरीज को फेरी सीरीज है उसको आप स्कैंडियम सीरीज कहते हैं। तो ये जो रॉज आपको नजर आ रही है ये बेसिकली सीरीज कहलाती है, और इन सीरीज का नाम ये पहले मेंबर पे रखा जाता है जी। तो ये जो पहली सीरीज है इसका पहला एलिमेंट स्कैंडियम है, तो ये स्कैंडियम सीरीज कहलाती है। ये जो दूसरी सीरीज है जो पांचवे पीरियड के अंदर मौजूद है, पहली सीरीज चौथे पीरियड के अंदर मौजूद है जिसको स्कैंडियम सीरीज कहते हैं, दूसरी सीरीज पांचवे पीरियड के अंदर मौजूद है जिसको आप यट्रियम सीरीज कहते हैं। यट्रियम सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पहला मेंबर यट्रियम है। जो छठे पीरियड के अंदर सीरीज मौजूद है ये तीसरी सीरीज है, इसको लेंथेनम सीरीज कहते हैं क्योंकि इसका पहला एलिमेंट लेंथेनम है जी। तो लेंथेनम, और उसके बाद ये पूरी की पूरी डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज कहलाती है जी। और जो सातवा पीरियड है उसके अंदर जो चौथी सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट की, उसको एक्टिनम सीरीज कहते हैं जी। तो एक्टिनम ये पहला मेंबर है, और बाकी तमाम के तमाम जो नौ मेंबर्स हैं वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है इनको कुछ और कहते हैं, इनकी जो दो सीरीज है वो कुछ और कहलाती है, इसको मैं भी आपको बताऊंगा आगे जी। अभी आपने ये चार सीरीज देख ली जी, ये पहली सीरीज स्कैंडियम सीरीज, ये दूसरी सीरीज यट्रियम सीरीज, ये तीसरी सीरीज लेंथेनम सीरीज, और ये चौथी सीरीज एक्टिनम सीरीज। हर सीरीज के अंदर 10 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और डी ब्लॉक के अंदर कुल 40 एलिमेंट्स मौजूद हैं जी। तो हर रॉ को एक सीरीज कहते हैं, और जो पहला एलिमेंट है उसी के नाम पर सीरीज का नाम रखा गया है जी। तो स्कैंडियम सीरीज, यट्रियम सीरीज, लेंथेनम सीरीज और एक्टिनम सीरीज। अब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करने जाएंगे जी, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एन माइनस टू एफ ऑर्बिटल के अंदर दाखिल होता है जी। और ये 28 के 28 एलिमेंट्स इनका एक ही ग्रुप है, उनको 3B फॉलोस कहते हैं जी। इनको आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं जी, और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपके सामने है जी, एन एस टू, एन माइनस वन डी वन, और एन माइनस टू एफ वन टू 14। ये मैं भी आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर समझाऊंगा जी। और यहाँ पे दो सीरीज है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की याद रखिएगा चार सीरीज हैं जी, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की दो सीरीज हैं, और इन दो सीरीज का नाम भी डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से है जी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो दो सीरीज हैं, एक को लेंथेनम सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं जी, और दूसरे को एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं, या सिंपल जो पहली सीरीज के अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट है उनको लेंथेनाइट्स कह देते हैं, और दूसरी सीरीज के एलिमेंट्स को क्या कह देते हैं, एक्टिनाइट्स कह देते हैं। तो लेंथेनाइट्स का मतलब है फॉलोइंग लेंथेनम, और एक्टिनाइट्स का मतलब है फॉलोइंग एक्टिनम। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में डी ब्लॉक एलिमेंट के जो पहला एलिमेंट है यानी 3B का जो मेंबर है जी, उसी के नाम से इस सीरीज को नाम दिया गया है जी। एक को लेंथेनाइट्स कहते हैं, और एक सीरीज को आप एक्टिनाइट्स कहते हैं, इसको आप पीरियोडिक टेबल में देखने जाएंगे जी। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन को देखें जी, तो आप जरा एफ ब्लॉक एलिमेंट को जरा फोकस कीजिएगा जो आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं जी। तो यहाँ ये पहला मेंबर है जी, तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे फिल कर चुके हैं, तो आप लिखेंगे NS2, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे N-1D1, क्योंकि देखिए जो डी होता है मैंने आपको बताया था चौथे शेल के अंदर जो डी होता है वो तीसरे शेल का होता है, तो डी क्या होगा, ये चौथे, ये आखिरी से एक कम होगा यानी N-1 होगा।
और डी के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद फिर आप सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ डालना है, एफ के अंदर डालना है जी। तो एफ जो होता है जी वो असल में ये तो इसको आप सेकंड लास्ट कह रहे हैं, यानी जो आपका वैलेंस शेल है वो आपका लास्ट शेल कहलाता है जी, उससे पहले वाले शेल को आप सेकंड लास्ट शेल कहते हैं, जिसको आप एन माइनस वन कहते हैं। जो एफ जो ऑर्बिटल है वो आप थर्ड लास्ट की बात कर रहे हैं जी, तो जो ये क्या एन माइनस टू कहलाएगा, तो जिसकी कॉन्फिग्रेशन बनती है वो बनती है एन एस टू, और एन एस टू इस आपने इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स की दो एलिमेंट्स को शो किया है जी, और n माइनस वन डी की बात करें तो फिर आपने d ब्लॉक एलिमेंट के एक एलिमेंट को शो किया है, उसके बाद तमाम के तमाम f ब्लॉक एलिमेंट्स को लिख दिया है जी, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा और आप आगे चलते जाएंगे और यहाँ पे ये इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे जी। तो ये f ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपके सामने है, जिसे आपने याद करना पड़ेगा। मैंने याद करने का तरीका आपको बता दिया, आप यहाँ से स्टार्ट करें जी, तो आपको s ब्लॉक एलिमेंट नजर आ जाएंगे जिसकी वजह से आपने ns2 लिखा है, उसके बाद आपको एक ही d ब्लॉक एलिमेंट नजर आ रहा है 3b का, तो आपने 3b की कॉन्फ़िगरेशन को लिख दिया ns2, तो यहाँ पे बोरो हो गया, n माइनस वन डी वन लिख दिया, और उसके बाद f ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कुल 14 एलिमेंट्स हैं, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन को आपने लिखा जी। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि n ये वैलेंस शेल है और ये आपका सेकंड लास्ट शेल है जिसके अंदर d के इलेक्ट्रॉन्स गए हैं जी, और ये आपका थर्ड लास्ट शेल है जिसके अंदर आपके f के एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स गए हैं जी। तो एन माइनस वन और एन माइनस टू का ख्याल रखना भी यहाँ पे जरूरी है। तो ये आपने ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से एलिमेंट्स को स्टडी किया। अब तक हम ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से एलिमेंट्स को स्टडी कर चुके और ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से स्टडी कर चुके। अब हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को पढ़ने जाएंगे जी और पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे जी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम पढ़ने जा रहे हैं जी, और जब आप एलिमेंट्स को पीरियड क्लास से स्टडी करते हैं जी तो इस स्टडी को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं जी, और एलिमेंट्स को अफ्फा प्रिंसिपल के लिहाज से अरेंज किया जाता है जी। और अफ्फा प्रिंसिपल ये कहता है जी कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिहाज से प्लेस करेंगे, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम है उन्हें पहले फिल किया जाएगा और जिनकी एनर्जी ज्यादा है उन्हें बाद में फिल किया जाएगा। तो ये आपका अफ्फा प्रिंसिपल है जी। तो एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने के लिए आप अफ्फा प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं जी, और जो नंबर ऑफ पीरियड है जी वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है और वो आपके आउटर मोस्ट शेल को जाहिर करता है जी। तो सातवें पीरियड के अंदर मौजूद होने का मतलब ये है जी कि आउटर मोस्ट शेल सेवन है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेवन है, और पीरियोडिक टेबल में कुल सात पीरियड्स हैं जी। पहले पीरियड की बात करने जा रहे हैं जी, तो पहले पीरियड के अंदर पहला शेल फिल होता है जी, और इस पहले शेल को आप के शेल कहते हैं जी, और इस पीरियड के अंदर दो एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम, एक एक्सट्रीम लेफ्ट पर मौजूद है दूसरा एक्सट्रीम राइट पर मौजूद है जी। ये दोनों आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, अगर कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से देखें तो ये दोनों ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स है जी, और इस पीरियड को आप शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं जी, और इस पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 1 to 2 है जी, जिसको अभी मैं आपको पीरियड टेबल में दिखाऊंगा जी। और इस पीरियड के अंदर सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल ऑक्यूपाई होता है, वो भी फर्स्ट शेल का जी। तो अब आपने रॉ वाइज चलना है जी, तो ये तो एक्सेप्शनल बिहेवियर है, मैं आपको ये बता दूं जी। तो ये जो फर्स्ट पीरियड है जी, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s 1 to 2 है जी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है जी। तो 1 कॉमन आ रहा है, 1 ये पीरियड को जाहिर कर रहा है, फर्स्ट पीरियड को जाहिर कर रहा है, एस ऑर्बिटल है जी, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने लिखा 1s 1 to 2। तो फर्स्ट पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सिंपल सी है जो आपको यहाँ पे समझ में आई। अब हम सेकंड पीरियड को देखने जा रहे हैं जी, और सेकंड पीरियड के अंदर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल तक पहुंच जाता है जी, और सेकंड शेल को आप एल शेल भी कहते हैं जी। और सेकंड पीरियड के अंदर कुल 8 एलिमेंट्स मौजूद हैं जी, एक्सट्रीम लेफ्ट पर लिथियम मौजूद है और एक्सट्रीम राइट पर नियॉन मौजूद है जी। इन 8 एलिमेंट्स में से 2 एस ब्लॉक एलिमेंट है और 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स है जी। इसको फर्स्ट शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं जी, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके सामने है 2s 1 to 2, 2s2, 2p, 1 to 6, ये मैं भी आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर दिखाऊंगा जी। और इस पीरियड के अंदर 2s और 2p ऑर्बिटल ऑक्यूपाई होते हैं, यानी सेकंड शेल के s और p ऑर्बिटल ऑक्यूपाई होते हैं जी। ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, और सेकंड रॉ में अगर आप चलें जी, तो सेकंड यानी n आपको वाजे तौर पर पता है जी कि n आपका क्या है जी, 2 है। तो ये 2s1 है, ये 2s2 है जी, तो आप लिखेंगे 2s1 to 2, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएशन नजर आ रही है। इसी तरह यहाँ पे आप 2s2 तो सबके अंदर चलेगा, ये होगा 2p1, ये 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, तो p के अंदर वेरिएशन आ रही है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी सेकंड पीरियड की, वो एस ब्लॉक एलिमेंट को देखते हुए लिखी आपने 2s 1 to 2, क्योंकि वेरिएशन यहाँ पे एस के अंदर आ रही है 1 और 2,
और उसके बाद पी को देखते हुए हमने लिखी 2s2 2p 1 2 6। 2 का मतलब सेकेंड पीरियड है और 1s में कोई वेरिएशन नहीं हो रही, 1 और 2 के अंदर वेरिएशन हो रही है वो हमने लिख दी। 2 का मतलब सेकेंड पीरियड है, एस के अंदर कोई वेरिएशन नहीं हो रही, हर जगह आपको 2 नजर आ रहा है तो हमने 2 वैसे का वैसे लिख दिया। पी के अंदर आपको वेरिएशन नजर आ रही है 1 से लेकर 6 तक, तो जो आपने उसको मेंशन कर दिया। तो ये सेकेंड पीरियड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि अगर आपको ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाती है जी, तो फिर आपको पूरी पीरियोडिक टेबल की कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से याद हो जाएगी जी। तो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सबसे ज्यादा फोकस करें जी, क्योंकि उसी के जरिए ब्लॉक वाइज कॉन्फ़िगरेशन होनी है और उसी के जरिए पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी है। तीसरे पीरियड की बात करते हैं जी, और तीसरे पीरियड के अंदर आखिरी शेल आपका तीसरा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल के अंदर भी मौजूद होता है जी, जिसको आप एम शेल कहते हैं जी। 8 एलिमेंट्स इस पीरियड के अंदर मौजूद हैं। सोडियम एक्सट्रीम लेफ्ट पर मौजूद है और आर्गन एक्सट्रीम राइट पर मौजूद है जी। ये जो 8 एलिमेंट्स हैं, इसमें से 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इसको सेकेंड शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 2 2 और 3s2 3p 1 2 6 है जी। और ये वो पीरियड है जिसके अंदर तीसरे शेल के एस और पी ऑर्बिटल ऑक्यूपाई होते हैं। तो ये जो तीसरा पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड का फोटोकॉपी है। देख लें आप बिल्कुल एज इट इज, जिस तरह से सेकेंड पीरियड है बिल्कुल उसी तरीके से थर्ड पीरियड भी है। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको सेकेंड पीरियड की याद हो जाती है, तो थर्ड पीरियड की खुद ब खुद याद हो जाएगी, क्योंकि जहां जहां आपने 2 लगाया, यानी जहां जहां कोफिशेंट आपने 2 लगाया है, वहां वहां कोफिशेंट आप क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो तीसरे पीरियड की वजह से आपने लिखा 3s1 2 2 और यहाँ पे लिखा 3s2 3p 1 2 6। तो जिस तरह आपने दूसरे पीरियड के अंदर समझा, बिल्कुल उसी तरह तीसरे पीरियड की लॉजिक भी वही है जी, कि यहाँ पे एस के अंदर वेरिएशन आ रही है और यहाँ पे पी के अंदर वेरिएशन आ रही है, और जिसके अंदर वेरिएशन नहीं आ रही उसको हमने क्या रखा है जी, फिक्स रखा है। तो तीसरे पीरियड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s1 2 2 और 3s2 3p 1 2 6 है। चौथे पीरियड की बात करने जा रहे हैं, और चौथे पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन चौथे शेल के अंदर मौजूद होता है, जिसको आप एन शेल भी कहते हैं जी। 18 एलिमेंट्स इस पीरियड के अंदर मौजूद हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट पर मौजूद एलिमेंट पोटेशियम है, एक्सट्रीम राइट पर मौजूद एलिमेंट क्रिप्टॉन है जी। इन 18 एलिमेंट में से 2 एस ब्लॉक एलिमेंट है, उसके बाद फिर 10 डी ब्लॉक एलिमेंट है जो बीच में है, और उसके बाद 6 पी ब्लॉक एलिमेंट है जी। इसको फर्स्ट लॉन्ग पीरियड भी कहते हैं जी, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आपके सामने है। 1s 4s 1 2 2, ये एस ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है। 4s 1 और 2 3d 1 2 10, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन है। और 4s 2 4p 1 2 6, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इन सबको आपने मिला के यहाँ पे लिख दिया है जी। और ये जो पीरियड है, इसके अंदर चौथे शेल के अंदर आप पहुंच चुके होते हैं जी, और 4s के ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करने के बाद आप जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3d के ऑर्बिटल्स के अंदर ऑक्यूपाई करते हैं, और 3db के ऑर्बिटल्स के अंदर ऑक्यूपाई होने के बाद जब 3d ऑर्बिटल्स कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो जाते हैं, तो फिर 4p ऑर्बिटल्स की फिलिंग की जाती है। ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, और आप यहाँ पे फोर्थ पीरियड को फोकस कीजिएगा। तो फोर्थ पीरियड के अंदर आपको शुरू के अंदर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट नजर आ रहे हैं, तो ये होंगे 4s 1 2 2। उसके बाद आपको तमाम के तमाम डी ब्लॉक एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं जी, 4s 1 और 2 3d 1 2 10, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद फिर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट नजर आ रहे हैं, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है जी 4s 2 4p 1 2 6। तो ये फोर्थ पीरियड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एस ब्लॉक की आपने अलग से लिखी, उसके बाद डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन को लिखा, उसके बाद आपने पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन को लिखा, और फोर्थ पीरियड की वजह से जहां जहां एन था वहां वहां 4 आ गया, और जहां एन माइनस 1 था 4 माइनस 1 यानी 3 आ गया। तो ये सिंपल सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 4s 1 2 2 4s 1 और 2 3d 1 2 10 एंड 4s 2 4p 1 2 6। इस बात का ख्याल रखिएगा कि फिफ्थ पीरियड भी इसका फोटोकॉपी है जी, और फिफ्थ की कॉन्फ़िगरेशन भी यही होगी, सिर्फ जहां जहां 4 आपको नजर आ रहा है वहां वहां क्या लगाएंगे आप, 5 लगाएंगे, और जहां 3 नजर आ रहा है वहां पे क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो पांचवें पीरियड को देखने जा रहे हैं जी, और पांचवें पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन पांचवें शेल में भी पहुंचता है, और इस शेल को आप ओ शेल कहते हैं जी। कुल 18 एलिमेंट इस पीरियड के अंदर मौजूद होते हैं जी। रुबिडियम एक्सट्रीम लेफ्ट पर मौजूद है, ज़ीनॉन एक्सट्रीम राइट पर मौजूद है, यानी रुबिडियम से शुरू होता है, ज़ीनॉन पे खत्म होता है जी। इन 18 एलिमेंट्स में से 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जी। इसको सेकंड लॉन्ग पीरियड भी कहते हैं जी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आपके सामने है जी, 5s 1 2 2 5s 1 और 2
4d1 to 10 और 5s2 5p1 to 6। और ये जो पीरियड है इसके अंदर सबसे पहले एस ऑर्बिटल ऑक्यूपाई होते हैं, उसके बाद डी ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई होते हैं, और उसके बाद रह जाने वाले 5 और शेल के पी ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई होते हैं जी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखेंगे जी, पांचवे पीरियड को आप जरा फोकस कीजिएगा जी, और ये फोर्थ पीरियड की फोटो कॉपी है जी। तो कॉन्फिगरेशन जिस तरह आपने 4 की करना सीखी है, बिल्कुल उस तरह 5 की भी होगी जी। तो ये आपने 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फिगरेशन को लिखा, उसके बाद फिर आपने 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फिगरेशन को लिखा, और उसके बाद फिर आपने 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फिगरेशन को लिखा जी। तो ये कॉन्फिगरेशन किसकी है जी, फिफ्थ पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है जी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है फिफ्थ पीरियड की। 5s1 to 2, तो ये 5s1 है, ये 5s2 है जी। ये 5s1 और 2 तो दो एक्सेप्शन की वजह से आपने और 1 और 2 लिखते हैं जी, और डी के अंदर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और डी के अंदर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने इसको जनरलाइज कर दिया जी। और उसके बाद फिर 5s2 5p1 ये है जी, और 5s2 5p6 ये है, तो इसको भी आपने जनरलाइज कर दिया। तो फिर पांचवे पीरियड की जो कॉन्फिगरेशन है वो है जी 5s1 to 2 5s1 और 2 4d1 to 10 और 5s2 5p1 to 6। अब हम छठे पीरियड की बात करने जाएंगे, और छठे पीरियड का मतलब ये है जी कि आखिरी शेल छठे पीरियड तक पहुंच चुका है जी, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन छठे शेल तक पहुंच चुका है जी। और इस छठे शेल को आप पी शेल भी कहते हैं जी, और इसके अंदर कुल 32 एलिमेंट्स मौजूद हैं जी, और सीजियम यानी एक्सट्रीम लेफ्ट पर मौजूद है, और रेडॉन आपका एक्सट्रीम राइट पर मौजूद है जी। तो सीजियम से शुरू होता है, रेडॉन पे खत्म होता है। तो ये 32 एलिमेंट्स हैं, उसमें से 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जी। इसको आप लॉन्गेस्ट पीरियड भी कहते हैं जी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बड़ी तवील है जी, मैं भी आपको इसको करना सिखाऊंगा जी। तो 6s1 और 2 ये एस ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फिगरेशन है, 6s2 5d1 ये डी 1 क्योंकि 3b की ये कॉन्फिगरेशन है। उसके बाद आपने एफ ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फिगरेशन लिखनी है जो है जी 6s2 5d1 4f1 to 14। उसके बाद बाकी रह जाने वाले आपने डी ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फिगरेशन लिखनी है, यानी 4b से लेकर 2b तक के एलिमेंट की कॉन्फिगरेशन को लिखना है, तो आपने लिखा 6s1 और 2 5d2 to 10। और उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फिगरेशन को लिखा जो है 6s2 6p1 to 6 जी। तो इसके अंदर पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं जी वो 6s ऑर्बिटल के अंदर फिल होते हैं, उसके बाद 5d ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन फिल होता है, उसके बाद 4f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे फिल होते हैं, उसके बाद 5d को फिर स्टार्ट करते हैं और d को मुकम्मल तौर पे भर देते हैं, और उसके बाद बिल्कुल आखिर में 6p ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है जी। तो ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, और इसमें आप जरा 6 पीरियड को जरा फोकस कीजिएगा जी। तो ये जो 2 एलिमेंट नजर आ रहे हैं इसका ताल्लुक एस ब्लॉक से है जी, तो आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिखा 6s1 to 2। उसके बाद जब आपको 1 एलिमेंट नजर आ रहा है जिसका ताल्लुक डी ब्लॉक से है, तो उसकी कॉन्फिगरेशन को लिखा 6s2 5d1, यानी 3b ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिखा है। उसके बाद फिर आपने एफ ब्लॉक एलिमेंट की कॉन्फिगरेशन को लिखा जो भी आपने पीछे भी पढ़ी थी जी, 6s2 5d1 4f1 to 14। उसके बाद बाकी रह जाने वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फिगरेशन को लिखना पड़ेगा, तो हमने लिखा 6s1 to 2 1, डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से मौजूद है, तो हमने लिखा डी के अंदर 2 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद सबसे आखिर में आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फिगरेशन को लिखेंगे जो है जी 6s2 6p1 to 6। तो छठे पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपके सामने है, और एज इट इज आपने इसको याद करना पड़ेगा। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी देना होती है, आगे पीछे करने का इख्तियार आपका नहीं है। मैं आपको ये बात बताता चलूं जी कि 7th पीरियड को आपकी किताब ने तो इनकम्प्लीट कहा है जी, लेकिन अब ये कम्प्लीट हो चुका है, और कुल 118 एलिमेंट्स अब आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं। तो सारे के सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड होकर हो चुके हैं जी, और पीरियोडिक टेबल मुकम्मल तौर पर भर गई है जी। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 7th पीरियड की करने जाएंगे, तो जहां जहां 6 लगा हुआ है वहां वहां आपको 7 लगाना पड़ेगा, जहां जहां 5 लगा हुआ है वहां पर आपको 6 लगाना पड़ेगा, और जहां 4 लगा हुआ है वहां पर आपको 5 लगाना पड़ेगा, यानी एक एक नंबर आपको हर कोएफिशिएंट के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। तो 7th पीरियड के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, 7th पीरियड का मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन 7वें शेल के अंदर भी मौजूद है, जिसको आप क्यू शेल भी कहते हैं। किताब आपकी कहती है कि इनकम्प्लीट पीरियड है जी, और पहले एस और 7 शेल के एस ऑर्बिटल को फिल किया जाता है, फिर छठे शेल के डी ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है, उसके बाद 5वें शेल के एफ ऑर्बिटल के अंदर तमाम इलेक्ट्रॉन्स को भेज दिया जाता है, उसके बाद फिर छठे शेल के डी ऑर्बिटल के अंदर बाकी इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, और सबसे आखिर में 7वें शेल के अंदर मौजूद पी ऑर्बिटल को फिल किया जाता है। तो ये फिलिंग का तरीका एकार है। अब 7वें पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखने जा रहे हैं जी, और ये 7वां पीरियड अब आपके सामने है जी। तो पहले 2 एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फिगरेशन को लिखा, उसके बाद 1 डी ब्लॉक एलिमेंट है उसकी कॉन्फिगरेशन को लिखा, उसके बाद 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फिगरेशन को लिखा, उसके बाद फिर आपके पास बकिया रह जाने वाले 9 डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फिगरेशन को लिखा, और सबसे आखिर में आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फिगरेशन को लिखा। तो आज का जो लेक्चर था जी, अभी हम डिफरेंसेस पढ़ने जाएंगे, लेकिन इससे पहले जरा मैं लेक्चर को समराइज कर दूं जी कि आज के लेक्चर में आपने सीखा क्या जी।
ये तमाम चीजें आपके लिखने की हैं जी, और आपको यकीनन मेरे साथ चलना चाहिए था और इन तमाम चीजों को पेपर कलम लेके इसको नोट करना चाहिए था जी। तो आपने मौसले की पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से स्टडी किया जी, और सबसे पहले आपने ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा, उसके बाद फिर आपने उसी ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा, और उसके बाद फिर आपने पीरियड वाइज यानी रॉ वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं जी। तो जो आज का आपका लेक्चर था वो बेसिकली टेक्निकल लेक्चर था जी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना आनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, और इम्तिहान में ये बहुत पूछी जाती है कि किसी ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं, कभी वो किसी पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं, कभी वो किसी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं, कभी वो ब्लॉक का नाम दे देते हैं जी, नाम दे देते हैं जी, किसी फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेते हैं जी। तो इन तमाम को आपने ख्याल रखना है जी, और इन तमाम को आप एक जगह पे लिखिए जी, और ये तीन तरीके जिस तरह से मैंने आपको समराइज करके दिया है, इन तीन तरीकों से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समराइज करके एक जगह पे कीजिए, ताकि आपको याद करना और याद रखना आसान हो जाए। डिफरेंसेस को देखने जाएंगे जी, और डिफरेंसेस भी आपके इम्तिहान में आते रहते हैं जी, तो डिफरेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या फर्क है, इसके दरमियान फर्क को देखने जा रहे हैं जी। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आपके एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, जबकि डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं जी। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करें जी, तो इनके अंदर रेगुलर इंक्रीमेंट होता है प्रॉपर्टीज के दरमियान, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके अंदर इंक्रीमेंट होता है जी, लेकिन ये स्लाइट इंक्रीमेंट होता है, यानी जो इंक्रीज या डिक्रीज है यानी प्रॉपर्टीज के अंदर जो वेरिएशन है जी वो ह्यूज वेरिएशन होगा जी, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर भी प्रॉपर्टीज के वेरिएशन होगा, लेकिन ये जो वेरिएशन होगा वो स्लाइट वेरिएशन होगा, यानी ये सारे के सारे मेटल्स ही हैं जी। लेकिन अगर आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो पहला वाला जो एलिमेंट है यानी अल्कली अर्थ मेटल है, वो आपका हाईली रिएक्टिव है जी, और अगर आप आगे चलते जाएं तो रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है जी, और आखिरी जो एलिमेंट है वो ऐसा है जी कि वो आपका इनर्ट एलिमेंट है जी। तो इसलिए जो प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन है वो लार्ज वेरिएशन है, जिसको आप रेगुलर वेरिएशन कहते हैं जी, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज के अंदर जो वेरिएशन है वो स्लाइट वेरिएशन है, बहुत कम वेरिएशन है, और सारे के सारे आपको एक जैसे ही दिखते हैं। ये दूसरा डिफरेंस आपके सामने है, और यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के दरमियान। तो ये चारों डिफरेंस आपके सामने है जी। आपने लिखा जी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो चौथे पीरियड से स्टार्ट होते हैं, जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट छठे पीरियड से स्टार्ट होते हैं जी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की चार सीरीज हैं, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं उसकी सिर्फ दो सीरीज हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है जी, जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है जी। तो चारों फर्क आपने आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के दरमियान बताए, ये आप कह सकते हैं जी डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान आपने फर्क को बताया। तो ये आज का लेक्चर था जी, जिसके अंदर आपने मौसले की पीरियोडिक टेबल को एक बार फिर रिपीट किया, और आज के इस लेक्चर के अंदर आपने मौसले की पीरियोडिक टेबल को में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को सीखा ग्रुप वाइज मैनर के अंदर, और उसके बाद ब्लॉक वाइज मैनर के अंदर, और उसके बाद पीरियड वाइज मैनर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से। इम्तिहान में इस पोर्शन के सवाल किस तरह से आए हैं, आइए इसको देखते हैं जी। ये पहला सवाल आपके सामने है जी, और लिखा हुआ है गिव रीजन, आपको जवाब देना है, वजह बतानी है जी। द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल हैव सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो क्या वजह है जी कि एलिमेंट्स जो एक ग्रुप के अंदर होते हैं जी पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है जी। तो इसकी सिंपल वजह यह है जी कि एक ही पीरियड एक ही ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की खास बात ये होती है जी कि उनके आखिरी शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो क्योंकि आखिरी शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी आखिरी शेल के अंदर यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है उनकी तादाद सेम है, और सेम होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है जी सेम है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉन को देख कर ही लिखा जाता है। तो क्योंकि इन सब के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी। क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने है जी, और लिखा हुआ है जी व्हाट आर आउटर एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं, ये आपसे पूछा है जी। और लिखा हुआ है इन हाउ मेनी सीरीज ईच ऑफ देम आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल आल्सो नेम्स द इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो आपने बताया जी कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन है जी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं जी, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं।
और जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसकी चार सीरीज है जी। पहली सीरीज चौथे पीरियड के अंदर, इसको स्कैंडियम सीरीज कहते हैं। दूसरी सीरीज पांचवें पीरियड के अंदर मौजूद है, जिसको यूट्रियम सीरीज कहते हैं। तीसरी सीरीज छठे सीरीज के अंदर मौजूद है, जिसको एब्लेंथिनम सीरीज कहते हैं। और जो चौथी सीरीज है वो सातवें ग्रुप के अंदर मौजूद है, जिसको आप एक्टिनम सीरीज कहते हैं। तो ये चार सीरीज हो गई आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। और इसी तरह दो सीरीज हैं जी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो पहली वाली सीरीज है वो लेंथेनम के बाद आती है, जिसको लेंथेनाइड्स कहते हैं। और दूसरी वाली सीरीज एक्टिनम के बाद आती है, जिसको एक्टिनाइड्स कहते हैं जी। तो ये आपने इस सवाल के अंदर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज को एक जगह कर लिया और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज को एक जगह किया। ये तीसरा सवाल आपके सामने है और लिखा हुआ है जी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द पीरियोडिक टेबल। ये आपकी किताब का सवाल है और इम्तिहान में ये बहुत बार आया है। ये बहुत ही लॉन्ग सवाल है, डिटेल सवाल है, मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या लिखना पड़ता है जी। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे जी कि हमारे पास कुल छह किस्म के एलिमेंट्स हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज करें जी। तो जो पहले एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो आपके नोबल गैसेस हैं, और तीसरे एलिमेंट आपके एस ब्लॉक एलिमेंट, चौथे एलिमेंट आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पांचवे एलिमेंट आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और छठे एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो आपने इनकी इनकी वो मेंशन कर दिया, इनकी लिस्ट बना दी, और अब आप हर के बारे में एक एक लिखते जाएंगे जी। तो आपने पहले रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल एलिमेंट्स के बारे में लिखा, उसके बाद फिर आपने नोबल गैसेस और इनर्ट एलिमेंट के बारे में लिखा, इसके बाद फिर आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में लिखा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में लिखा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में लिखा, उनकी सीरीज का तस्करा किया, और फाइनली आपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में लिखा और उनकी सीरीज का तस्करा किया जी। तो ये लेंथी सवाल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट बहुत ज्यादा है जी। तो आप देख लीजिएगा, अगर इम्तिहान में ये सवाल कर सकें जी तो आप इसको जरूर करें। इंतहा आसान है याद करने में जी, लेकिन इम्तिहान में ये आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने है, और ये भी हर साल इम्तिहान में आता रहता है, जिसको आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं जी। और इसके अंदर भी आपने अफा प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना है जी, और ग्रुप वन से लेकर ग्रुप सेवन तक के तमाम एलिमेंट्स को जिस तरह से आपके नोट्स में लिखा हुआ है जी, या जिस तरह से स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, तमाम बातें आपने लिखनी होती हैं जी। तो मैं इसको तेजी से समझाऊंगा जी। तो पहले आपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया जी कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होती क्या है जी, यानी अरेंजमेंट अफा प्रिंसिपल पे बेस करती है जी। पहला पीरियड के बारे में आपने लिखा, दूसरे पीरियड के बारे में लिखा, इसके बाद आपने तीसरे पीरियड के बारे में लिखा, चौथे पीरियड के बारे में लिखा, पांचवें पीरियड के बारे में लिखा, और बिल्कुल इसी तरह आपने छठे और सातवें पीरियड के बारे में लिखा। तो ये आपका सवाल मुकम्मल हो गया। मैंने इसको तेजी से इसलिए पढ़ाया जी क्योंकि मैं ये आपको पीछे लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूँ जी, और वहां पे भी तमाम बातें मौजूद हैं। अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, वरना तमाम बातें पीछे की गई हैं। तो ये तो आज का लेक्चर था जिसके अंदर आपने मॉसले की पीरियोडिक टेबल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से स्टडी किया। और आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एलिमेंट्स को सबसे पहले ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ अरेंज किया, उसके बाद ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ अरेंज किया, और उसके बाद हमने पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ अरेंज किया। और पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ एलिमेंट्स को अरेंज करना या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाता है जी। तो ये तो आज का हमारा लेक्चर था जो हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। जो हमारा अगला लेक्चर है जी वो बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है जी, और वो कैलकुलेशन बेस्ड लेक्चर है जी। और उसके अंदर हम ये सीखेंगे जी कि अगर हमें एलिमेंट के एटॉमिक मासेस पता हो, एटॉमिक नंबर्स पता हो जी, और ये हमें तो हम किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे जो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए हम इलेक्ट्रॉन के, हम उस एलिमेंट की पोजीशन को किस तरह से जानेंगे, किस तरह से उसकी ब्लॉक का तायुन करेंगे, किस तरह से उसके ग्रुप का तायुन करेंगे, और किस तरह से उसके पीरियड का तायुन करेंगे। इस तायुन को करना हम अगले लेक्चर के अंदर सीखेंगे, और ये सवाल इम्तिहान में बहुत ज़्यादा आता है, तो इसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जी। तो हमारा जो पाँचवा लेक्चर है इस सीरीज का जी, और चैप्टर वन हम पढ़ रहे हैं जी, उसके अंदर जिस टॉपिक पर हम बात करने जाएंगे वो होगा असाइनमेंट ऑफ ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड्स टू एलिमेंट्स इफ एटॉमिक नंबर्स वर गिवन और इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वर गिवन। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।